वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है बीस नवंबर 2022 और बीस नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैक मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस की इस वीडियो की पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है तो अभी उन्नीस नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में कब 2013 में वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है अच्छा इस बार के वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या है तो इस बार की थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल क्या है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल अच्छा 19 नवंबर को ही रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी मनाई जाती है और 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जी की जयंती भी होती है इस बार इंदिरा गांधी जी की एक सौ जयंती मनाई गई तो 19 नवंबर से रिलेटेड इतना आपको याद रखना है एक नवंबर को क्या मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस और सात भारतीय राज्यों का और दो केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस ये सात भारतीय राज्य हैं केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो केंद्रशासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी दो नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड एम्पिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया तीन नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई पांच नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया सात नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया आठ नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया आठ नवंबर को ही विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया गया नौ नवम्बर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया दस नवम्बर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया ग्यारह नवम्बर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया बारह नवम्बर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया तेरह नवम्बर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया चौदह नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया पंद्रह नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहसुणता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया अच्छा 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर का दो सौ में स्थापना दिवस ये दो इम्पोर्टेंट डे अठारह नवम्बर को मनाए गए तो नवम्बर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेग टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेग टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैसे आई ओ ए के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष चुना गया तो अभी आई ओ ए की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है अच्छा अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी को नियुक्त किया गया मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया और प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है तो अभी तमिलनाडु ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है हाथियों की मौत की निगरानी करने के लिए ये एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु सरकार ने पेश किया है अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु तमिलनाडु की कैपिटल क्या है चेन्नई तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है एम के स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है आर एन रवि अभी तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोनिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को पच्ची अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है अच्छा तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर रहा था भारत में मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है अच्छा तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है इसे अभी टे टू अवार्ड मिला था और तमिलनाडु ने तमिल थाई बजथु को अपना राज्य की गीत घोषित किया है नए क्वेश्चन है हाल ही में नल नाड़ा अंटिल बी मीट अगेन नामक पुस्तक किसने लिखी है तो नल नाड़ा बी मीट अगेन बुक ये गौतम बोरा ने लिखी है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इस बुक का विमोचन महान लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया है अच्छा एक ये बुक बेनिंग द इनर बेटल ये बुक सेन वॉटसन ने लिखी फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने नई बुक न्यूक्लराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी और साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी का विमोचन किया तो ये बुक आपको अभी याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है तो लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं लांस नायक मंजू और यही भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में एडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है तो एडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके निदेशक हैं एस के मिश्रा यानी कि संजय कुमार मिश्रा इनका कार्यकाल अभी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है ये हैं एस के मिश्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटी बेलुग योजना को फिर से लॉन्च किया है तो कांटी बेलुग योजना इसमें क्या होता है मुफ्त में आंखों की जांच की जाती है आंखों की सर्जरी की जाती है और जिनको चश्मे की नीड होती है उन्हें मुफ्त में चश्मा दिया जाता है तो ये अभी तेलंगाना सरकार ने फिर से शुरू की है तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है कांटी बेलुग योजना इसको तेलंगाना सरकार ने फिर से शुरू किया है अब तेलंगाना तो यह है मैप में तेलंगाना तेलंगाना की कैपिटल क्या है हैदराबाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना की गवर्नर कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंदराजन अभी हैदराबाद में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हजार बाईस तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करेगी भारत का पहला बानी की विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा भारत का पहला थ्री प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ तेलंगाना में बूनालू महोत्सव शुरू हुआ तेलंगाना सरकार ने टी हब सुविधा खोली है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का उद्घाटन कहां किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मेट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में कौन सीट्स पर रहा तो अभी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक कंप्लीट हुए हैं और इस बार ये कहां पे हुए थे शिलोंग में और इस बार के पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर टॉप पर रहा है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है मणिपुर ने टोटल दो मेडल जीते हैं जिसमें पिचासी गोल्ड मेडल हैं छिहत्तर सिल्वर मेडल हैं और सतहत्तर ब्रॉन्ज मेडल हैं दूसरे नंबर पर असम रहा है असम ने टोटल 201 मेडल जीते हैं जिसमें इक्यासी गोल्ड मेडल हैं 60 सिल्वर मेडल हैं और 60 ब्रॉन्ज मेडल हैं और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है अब मणिपुर टॉप पर है तो ये है पे मणिपुर मणिपुर की कैपिटल क्या है इम्फाल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है एन बेरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है ला गणेशन अच्छा अभी अमूर फाल्कन फेस्टिवल का सातवां संस्करण मणिपुर में मनाया गया इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हैसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ खोंग जोंग दिवस तेईस अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई एक फीट है मणिपुर के बेस्टूपुर जिले में फहराया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किसने किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया तो अभी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है केंद्र सरकार की योजनाओं को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए यह अमर सरकार पोर्टल है यह केंद्र सरकार और लोगों तक जो योजनाएं पहुंचती हैं उसके बीच में ब्रिज का काम करेगा पोर्टल तो इस पोर्टल को त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अब त्रिपुरा तो यह है मैप में त्रिपुरा त्रिपुरा कैपिटल क्या है अगरतला त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है माणिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है सत्यदेव नारायण आर्या अभी त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद योजना शुरू की त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प प्रकल योजना शुरू की दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ चवालीसवा कोकुरु दिवस उन्नीस जनवरी को त्रिपुरा में मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है सदियों पुरानी केर पूजा ये त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है और त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव बने हैं आलोक कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहा किया है अभी एटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है यह है अरुणाचल प्रदेश के एटानगर में में पोलो एयरपोर्ट इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है अब अरुणाचल प्रदेश तो यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश प्रदेश अरुणाचल की कैपिटल क्या है एटानगर अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा अभी अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी नेकुशन हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता कहाँ की है तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर पहले सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली में की है तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन एटीपी खिलाड़ी कौन बने हैं तो अभी सबसे कम उम्र में विश्व नंबर वन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अलकराज तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है ये हैं कार्लोस अब टेनिस। तो अभी स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला विली जीन किंग कप जीता होलगर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब जीता सैन डिएगो ओपन टाइटल एगारे ने जीता नोबाक जोकोविच ने नब्बे मा एटीपी खिताब जीता 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्लेट ने जीता नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चौतीसवीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 हजार बाईस कहाँ आयोजित की जाएगी तो चौंतीसवीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की जाएगी तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है गोमती नदी के किनारे स्थित है अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है तो अपना देश भारत अभी कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टेडनेस का आंसर सही दिया मोस्टली स्टेडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर से वी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब वे आपसी सब्सक्राइब करेंगे तो ब्राउर में एक आइकन बन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल विद यू थैंक्स फॉर वॉचिंग